स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों जो 2025 का बैच है उसके लिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो आपको दिखाना चाहती हूँ मॉडरेशन जो कि अपडेटेड वर्जन है। आप जैसे इस यहाँ पे मुख्य वेबसाइट में जाओगे बेटा, तो मुख्य वेबसाइट में जब आप नीचे पहुँचोगे तो स्क्रॉल करते करते आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन वाला यहाँ पर दिखेगा। यस, बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओगे तो नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको इसमें मॉडरेशन का मिलेगा सर्कुलर, मॉडरेशन सर्कुलर मिलेगा। यहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी देखिए, आपको मॉडरेशन पॉलिसी वाला जो सर्कुलर था उसको जब हम ओपन करते हैं तो ये लास्ट अपडेटेड सर्कुलर है हमारा। आप देख सकते हैं लास्ट अपडेट हुआ है ऑन 10 अगस्त। सो दिस इज नाउ एप्लीकेबल फॉर 2025 बोर्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो, जिसमें आप देख सकते हो कि सीबीएसई खुद ऐलान कर रही है। कई बच्चे कहते हैं कि मैम मॉडरेशन नहीं मिली, बट इट इज़ गुड कि जैसे आपके एग्जाम में 3 पेपर होते हैं ना, मान लो 3 अलग अलग सेट्स हैं। क्या होता है ना, किसी सेट में क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट आ गया, बाकी 2 सेट में ईजी आए, तो सीबीएसई ट्राइज टू कॉम्पनसेट द कैंडिडेट्स फॉर डिफिकल्टी एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर इन अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन। अगर क्वेश्चन मिस इंटरप्रेट हो रहा है, एम्बिगुअस है, कई बार होता है ना क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, एरर है, वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सीबीएसई विल कॉम्पनसेट द वैगरीज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन सिस्टम। ऐसा नहीं करेगी सीबीएसई कि कहीं किसी बच्चे को ज़्यादा नंबर मिले और किसी को कम। इट ब्रिंग्स पैरिटी ऑन अकाउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन। लेवल अप मीन अचीवमेंट इन सेट वाइज परफॉर्मेंस। मीन अचीवमेंट को बढ़ा देती है सीबीएसई ताकि बच्चों के मार्क्स कॉम्पनसेट हो जाए। एंड इट मेंटेन्स द पैरिटी ऑफ पासिंग परसेंटेज ईयर ऑन ईयर। ऐसा होता है सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स में नहीं मिलते, बट जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल होती है उसमें मिलती है। आप सुनते हो कई बच्चे जो बताते हैं हम पास हो गए एंड वी हैड नॉट रिटेन एनीथिंग, तो वो मॉडरेशन का प्रभाव होता है। आपको मैं कुछ सबूत के साथ कुछ वीडियोस के बाद दिखाऊंगी कैसे मॉडरेशन मिलती है, बट सीबीएसई डज नॉट अनाउंस दिस कि हमने किस सब्जेक्ट में कितना दिया है, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उन्हें मार्क्स क्यों मिले हैं इतने। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे एग्जाम में आप अगर लिख के आओगे, पेपर खाली कर नहीं रहेगा, तो ही आपको टीचर नंबर दे पाता है। कई बच्चे ब्लैंक शीट छोड़ के आते, फिर वो कहते हैं कि मॉडरेशन नहीं था, ग्रेस नहीं था, बट ऐसा नहीं है, होता है। बट फॉर दैट यू शुड ऑल्सो राइट थिंग्स, थोड़ा बहुत रेलेवेंट आपको लिखना पड़ता है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार क्वेश्चन आजकल क्या होता है ना, बोर्ड में हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, जेई लेवल के क्वेश्चन दे देते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो ऐसे सबके लिए मॉडरेशन जो है वो काम आता है। इस बार भी बच्चों को मॉडरेशन मिला है बोर्ड में। ऐसा नहीं है बच्चों को शायद पता नहीं है, बहुत से बच्चों को, लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं उनको ये पता है कि हाँ नंबर बढ़ते हैं। और इट इज़ अपडेटेड नाउ, सो दिस इज, आप देख सकते हैं लास्ट अपडेटेड ऑन 10 अगस्त, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2024। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द करेंट सेशन एज वेल। सीबीएसई ने बीच में कुछ साल के लिए हटाया था, बट अब ये ऑफिशियली अनाउंस्ड है, तो आप सबको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे नंबर आएंगे। बट येस, यू हैव टाइम नाउ, अभी बहुत समय है, अच्छे से पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च हुई है जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। दिस बैच इज़ फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉम्पार्टमेंट स्टूडेंट। जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, आप दोनों के एग्ज़ाम फेब मार्च में होने वाले हैं। ठीक है, सो द कोर्स विल बी, लास्ट ईयर भी हमने ये कोर्स दिया था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी लिया था, और बहुत से बच्चों ने बढ़िया रिजल्ट किया है। दिस विल बी जूम, यहाँ पे जूम पे क्लासेस होंगी। बच्चे, कई बच्चे पूछते हैं कैसे क्लासेस होंगी, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करोगे और अपने जो भी डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हो। कोर्स फी इज ओनली ₹1000 पर मंथ। ऐसा है बेटा कि आपको जो कंपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहीं पे आपको कोर्स नहीं होते, सो स्पेशली दिस इज कोर्स फॉर कंपार्टमेंट केमिस्ट्री क्लास 12 एंड रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए भी ये कोर्स है ₹1000 पर मंथ। ये कोर्स जो है वो आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, टिल फेब चलेगी। ठीक है, जिसमें हम आपको बहुत ही एलेबोरेटली, आपने सीबीएसई का सर्कुलर भी देखा होगा कि एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस आएंगे, सो एनसीईआरटी विल बी डन लाइन बाय लाइन। उसके बाद तमाम इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको चैप्टर वाइज दिए जाएंगे। देन सबसे पहले तो बेटा आपको हम स्टडी प्लान भी दे देंगे, और जो कोर्सेस हैं उसमें आपकी 2-वे कम्युनिकेशन है जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलता ऑनलाइन क्लासेस में। लाइव क्लासेस हैं, छोटे छोटे बैचेस हैं ताकि आप अपने डाउट्स रख सकें। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे और हम आपको हर चैप्टर की मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। दैट कुड बी अ गेस क्वेश्चन ऑल्सो। लेकिन जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप अच्छे से अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड करके करोगे तो यू विल गेट वेरी गुड स्कोर। यू कैन, अभी आपके पास बहुत समय है, यू कैन स्कोर 70 आउट ऑफ 70। येस, फॉर रेगुलर बैच के बच्चे तो लाए ही हैं। इवन इन कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स बहुत से बच्चों ने बढ़िया स्कोर किया है। तो देर ना करें, ज्वाइन करने के लिए यू कैन राइट मी अ मेल और कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर। जल्द से जल्द हम आपको रिवर्ट करेंगे और फिर 1 सितंबर से क्लासेस होंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।